सर बहुत मिस कर रहे हैं आपको। सही में सर कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यू कोई बेवफा नहीं होता। लेकिन अगर कोई लोग अगर आना ही नहीं चाहते हैं, जो उनको पेट भर गया हो, फिर भी उनको कहता हूँ भाई सोचिए समझिए, लेकिन अगर नहीं आएंगे तो जरूर शो रुकेगा नहीं। दोस्तों तारक मेहता के उल्टे चश्मे में काम करने वाले अदाकार शैलेश लोधा यानी तारक मेहता का रोल निभाने वाले ये अदाकार का वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। आप सभी जानते हैं कि तारक मेहता साहब ने ये शो छोड़ दिया है और इसकी क्या वजह है, इसमें इनके प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी जी का क्या कहना है, इसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे और आज बताएंगे कि तारक मेहता ने ये शो क्यों छोड़ा है, इसकी क्या वजह है। तो दोस्तों मैं हूं डॉक्टर शान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल द टू हिट। दोस्तों एक इंटरव्यू के दौरान शैलेश लोधा उर्फ तारक मेहता से ये सवाल पूछा गया है कि 14 सालों से लगातार चला आ रहा तारक मेहता का उल्टा चश्मा आपने अचानक क्यों छोड़ दिया। तो शैलेश लोधा ने इस पर बहुत ही शानदार अपनी कविता के अंदाज में जवाब दिया कि कुछ तो वजह रही होगी वरना यूं कोई बेवफा नहीं होता। दोस्तों असित कुमार मोदी जी का एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है जो कि तारक मेहता के उल्टे चश्मा शो के प्रोड्यूसर हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो सुनाते हैं, उसके बाद बताते हैं मेहता साहब की पूरी कहानी कि उन्होंने ये शो क्यों छोड़ा है। लेकिन अगर कोई लोग अगर आना ही नहीं चाहते हैं, जो उनको पेट भर गया हो, फिर भी उनको कहता हूँ भाई सोचिए समझिए, लेकिन अगर नहीं आएंगे तो जरूर शो रुकेगा नहीं। दोस्तों तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी जी ने कहा कि अगर शैलेश लोधा शो में वापस आना चाहें तो बहुत अच्छी बात है हमें सभी के लिए और हमारे दर्शकों के लिए। और आपको बता दें दोस्तों शैलेश लोधा और तारक मेहता ने अपने इंस्टाग्राम ऑफिशियल पेज पर एक फ़ोटो अपलोड की जिसके नीचे उन्होंने शायरी के अंदाज में कुछ इस तरह से लिखा, औरों के हक का जोड़ा सब उसने किसी के मन से जुड़कर नहीं देखा, इस बात से ही फितरत पता चलती है उसकी, जिसने भी उसे छोड़ा मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों इनडायरेक्टली शैलेश लोधा ने बोल दिया है कि जो उन्हें छोड़ दिया है या उन्हें जिसने छोड़ दिया है वो उस जगह वापस नहीं जाना चाहते, और हम सब भी इस बात से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शैलेश लोधा और तारक मेहता साहब अब शो में वापस नहीं जाएंगे। दोस्तों उनका रोल अदा कर रहे इस टाइम एक नए तारक मेहता शो में आए हैं जो कि अच्छे से उनका किरदार नहीं निभा पा रहे हैं। तो आप सबको उनकी एक्टिंग कैसी लग रही है कमेंट में नीचे ज़रूर बताएं। एक इंटरव्यू के दौरान तारक मेहता के परम मित्र दिलीप जोशी उर्फ जेठालाल से ये सवाल पूछा गया कि आपके परम मित्र तारक मेहता साहब ने ये शो क्यों छोड़ दिया है। तो दोस्तों दिलीप जोशी उर्फ जेठालाल ने कहा कि ये प्रोड्यूसर और कलाकारों के बीच की बात है, ये हम पब्लिक मीडिया में नहीं बता सकते। उन्होंने कहा है कि हम शो को वैसे ही करने की कोशिश करेंगे जैसे कि तारक मेहता के साथ हम शो का आगाज कर रहे थे। दोस्तों शैलेश लोधा उर्फ तारक मेहता की जगह अब आपको शो में एक नया चेहरा नज़र आएगा जो कि तारक मेहता का रोल निभाएंगे। जी हाँ दोस्तों, पिछले 2-3 महीने से तारक मेहता जब अपनी शूटिंग पर नहीं पहुँचे तो प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी जी ने उनसे ये सवाल पूछा कि आप शूटिंग पर क्यों नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने अपनी कुछ पर्सनल वजह बताई जिसकी वजह से असित कुमार मोदी जी ने उनको मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन शैलेश लोधा ने साफ इनकार कर दिया। जी हाँ दोस्तों, और जो अभी उनका रोल अदा कर रहे हैं इस शो में, तो उन्होंने से पूछा गया कि आप इस शो में काम कर रहे हैं आपको कैसा लग रहा है। दोस्तों नए तारक मेहता ने कहा कि मैं पुराने शैलेश लोधा और तारक मेहता की एक्टिंग तो नहीं कर सकता और ना ही मैं उनकी बातों को कॉपी कर सकता हूँ, क्योंकि वो 14 सालों से लगातार लोगों को एंटरटेन कर रहे थे और मैं कोशिश करूँगा कि अपनी तरफ से लोगों को उन्हीं की तरह एंटरटेन करूँ, लेकिन मैं वैसा नहीं कर सकता। और दोस्तों कौन कौन है जो कि अभी भी पुराने शैलेश लोधा और तारक मेहता का पुराना शो देख रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें। दोस्तों आप सभी क्या चाहते हैं कि पुराने शैलेश लोधा और तारक मेहता को वापस लाया जाए, या आप सभी को नए तारक मेहता की एक्टिंग पसंद है, तो दोस्तों कमेंट में नीचे ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं बहुत जल्द न्यू वीडियो में इसी तरह की किसी न्यू अपडेट के साथ। दोस्तों आपको हमारे चैनल पर डेली की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें।